अस्सलामुअलैकुम वालेकुम मुर्शिद जी, मैं इंडियन से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी को ना एस्मा का प्रॉब्लम है। सर्दियाँ आती है ना तो इसको इतना, इसकी सांस की नालियाँ छोटी हो जाती है, इतना खांसती है बहुत ज्यादा कि मुझे इसे इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता है। 9 साल की है, 35 या 40 किलो उसका वजन है। जरा मोटी मोटी सी है वो, लाइबा नाम है इसका। जी। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं कि ये इसको जो एलर्जी है, कि आपके खानदान में दायमी है, खानदान में इस बच्ची की वालदा या वालिद नहीं, की तरफ से किसी को हो तो? हो सकता है इसकी दादी को, दादी इसकी बड़ी बीमार रहती है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं पता कि कोई मसला है, मुझे नहीं आइडिया। आपको महसूस हो रहा है कि मेरी खानदानी नहीं है? मुझे नहीं आइडिया, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं पता नहीं, होगी तो होगी लेकिन मुझे, मैंने कभी सुना नहीं किसी, तो मेरे घर में तो किसी को भी नहीं है। मेरे भाई को थी जब वो छोटा था, अब तो माशाल्लाह वो 40 साल का है, उसको थी। मेरे अब्बू बताते हैं कि उसको बहुत प्रॉब्लम थी एस्मा का। सर्दियां शुरू होती हैं, ये खांस 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 खांस। मैं अकेली औरत हूँ घर में, और कोई नहीं है, सिंगल मॉम हूँ, मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी आपके यहाँ होती है सर्दी मुझे। ज्यादा होती तो है? आप इसके, बहुत सर्दी होती है, और मैं, हमारा सर्दी का सीजन ज्यादा होता है इंग्लैंड में ना, बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में जाता है। इसको खांसी शुरू होती है और इतनी खांसी करती है, कर कर मैं इसे दवाइयां देती हूँ, इसे पता नहीं क्या, इनहेलर भी लेती है ये, आप सुने, और बड़ी मैं परेशान हो जाती हूँ। आप सुनिए, मेरी तशखीस ठीक है कि खानदानी असरात हैं। अब एक टोटका जी बताता हूँ, बहुत बेमिसाल बाकमाल टोटका है, और ऐसे लोग उन सब के जी लिए टोटका। कोलंजी, कलवंजी जी और हल्दी जी साबित, मुलट्ठी, कलवंजी, हल्दी अच्छा साबित और मुलट्ठी और देसी अजवाइन, बस ये चार चीजें। 50-50 ग्राम ले ठीक लें, खूब है बारीक पीस के, जी। बहुत ही बारीक पाउडर अल्लाह से, यानी इसको छलनी से या कपड़े से निकालें। अब इसको ऐसे शहद में बिल्कुल मिलाएं और शहद में अच्छा मिला के इस बच्ची को चटाएं, दिन में हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 8-10 बार। उम्र थोड़ी है तो थोड़ी ठीक मिकदार में, उम्र ज्यादा है तो ज्यादा मिकदार में इसको चटाएं। ठीक है। 2 साल की है ये जी हाँ, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़ दे रहा हूँ। इसको आप चटाएं और इसका रिजल्ट देखें और इसकी सेहत तंदुरुस्ती देखें। और दूसरा एक काम ये करें ठीक है कि सूरत अलम नशरा हर जी नमाज के बाद 11 बार पढ़ के इस पे दम करें। सूरत अलम नशरा हर ठीक नमाज के बाद 11 बार जी पढ़ के इस पे दम करें, ठीक है? ठीक है मुर्शिद जी, और वैसे भी ठीक आप मुर्शिद जी। एक और खुला बात सूरत जी, अलम नशरा पढ़ सकते हैं।